कक्षा 12 विषय मानव भूगोल के मूल सिद्धांत दिनांक 3/7/2021 अध्याय 3 जनसंख्या संगठन। आज का जो हमारा जो बिंदु है जनसंख्या संगठन, तो सबसे पहले जनसंख्या संगठन होता क्या है इसके बारे में हमको जानना। इसके पूर्व हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा था, अब जनसंख्या संगठन। अब जनसंख्या संगठन क्या होता है, इसका जो तात्पर्य होता है हमारा आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, व्यवसाय संरचना और लिंग संगठन। ठीक है, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है इसको लिंग संगठन या लिंग अनुपात कहा जाता है। एक बार फिर तुमने सुन ले कि जनसंख्या संगठन से हमारा तात्पर्य क्या है, तो जनसंख्या संगठन से हमारा तात्पर्य आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, व्यवसाय संरचना, ये लिंग संगठन कहलाता है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच का जो अनुपात होता है ये लिंग संगठन है। और लिंग जो संगठन है उसको कुछ विश्व के कुछ जो देश होते हैं, विश्व के कुछ दो ही देशों के अंदर अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। जैसे विश्व के अंदर देखें आप जो सूत्र परिकलित किया गया है, पुरुष की जनसंख्या बटा स्त्री की जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या बटा स्त्री की जनसंख्या इंटू 1000, ये कहां पर विश्व के कुछ देशों के अंदर ये सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से जो जनसंख्या जो संगठन है या जो लिंग अनुपात है ये ज्ञात किया जाता है, या प्रति 1000 स्त्रियों और पुरुषों की संख्या। भारत में भी देते हैं हम जो लिंग अनुपात है वो किस रूप में ज्ञात किया जाता है। भारत के अंदर जो लिंग अनुपात है स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। फिर पुनः सुन ले, भारत में जो लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है वो निम्न सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। ये भारत के अंदर प्रति 1000 पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या से। अब ये जो लिंग अनुपात है विश्व के अंदर जो लिंग अनुपात है अलग अलग दर्ज किया जाता है। मोटे तौर के ऊपर विश्व के अंदर जो लिंग अनुपात है 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, ये विश्व के जनसंख्या का औसत जो लिंग अनुपात है 100 स्त्रियों के ऊपर 102 पुरुष है। अब जहां पर विश्व के अंदर जो लिंग अनुपात है जिसमें भेदभाव होता है, अनियंत्रित होता है, कहीं ज्यादा है कहीं लिंग अनुपात कम है, वहां स्त्रियों की जो दशा होती है जहां पर भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां स्त्रियों की जो दशा है कंडीशन प्रतिकूल होती है, दशाएं उनकी बेहतर नहीं होती। ठीक है, कारण क्या है वहां पर, क्योंकि जहां पर भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां पर भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बीमारी होती है, शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। ठीक है, तो इन स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है वो निम्न पाई जाती है। तो विश्व के कुछ देशों के अंदर हमने देखा जहां पर भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां पर स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, वहां पर इनकी जो दशा है अच्छी नहीं होती, बेहतर नहीं होती, वहां सामाजिक और आर्थिक जो स्तर है वो निम्न पाया जाता है।
अब हम देखते हैं विश्व के अंदर जो निम्न अनुपात है निम्न है, तो विश्व के अंदर सबसे उच्च जो निम्न अनुपात है जो दर्ज किया गया है वो कहां पर दर्ज किया गया है, तो विश्व के अंदर हम देखते हैं सर्वाधिक जो मात्रा में निम्न अनुपात जो दर्ज किया गया है वो लैटविया में 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। लैटविया ऐसा स्थान है जहां पर उच्च निम्न अनुपात पाया जाता है, 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष पाए जाते हैं। कुछ देश में निम्न जो लिंग अनुपात है ये भी पाया जाता है, तो निम्न लिंग अनुपात कहां पर पाया जाता है, निम्न जो लिंग अनुपात है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यहां पर जो लिंग अनुपात है कितना है, 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष, कितना 100 स्त्रियों के ऊपर 311 पुरुष। तो अपन ने क्या देखा, विश्व के अंदर जो लिंग अनुपात है उच्च लिंग अनुपात, तो उच्च लिंग अनुपात देखा हमने लैटविया के अंदर, और 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष, और संयुक्त अरब अमीरात के अंदर जो लिंग अनुपात है निम्न दर्ज करा गया है, यहाँ पर जो 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष किया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से एशिया यूरोप के जो देश है वहां भी लिंग अनुपात, जैसे एशिया के अंदर देखें निम्न है, एशिया के अंदर निम्न कहां पर है, जैसे चीन में देखें, भारत में देखें, सऊदी अरब में देखें, पाकिस्तान में देखें, अफगानिस्तान के अंदर देखें, यहां पर जो लिंग अनुपात है निम्न है, और कुछ जो राष्ट्र है विश्व के विकसित जो राष्ट्र है यहाँ पर, कई जो प्रदेश है विश्व के विकसित राष्ट्रों के अंदर जो लिंग अनुपात है वहां पर ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर रूस के अंदर यूरोप के कुछ बड़े भागों के अंदर पुरुष अल्पसंख्या में है, और पुरुषों की कमी की वजह से वहां पर स्त्रियों की स्थिति बेहतर है, और भूतकाल में विभिन्न भागों के अंदर अत्यधिक उत्प्रवास है कि भविष्य के अंदर या भूतकाल के अंदर जो पुरुष है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं वहां पर महिलाएं, और इसकी वजह से महिलाओं की स्थिति यूरोप के अंदर अच्छी पाई जाती है। तो ये अभी अपन ने देखा जनसंख्या संगठन और लिंग अनुपात के बारे में देखा, एक बार फिर पुनः सुन लें जनसंख्या संगठन क्या होता है। जनसंख्या संगठन से हमारा जो तात्पर्य है कि आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, व्यवसाय संरचना से है। ठीक है, इसको लिंग अनुपात कहा जाता है। विश्व के कुछ देशों के अंदर जो सूत्र बताया गया है वो कौन सा सूत्र बताया गया है, विश्व के कुछ देशों के अंदर पुरुष की जनसंख्या बटा स्त्री की जनसंख्या इंटू 1000 प्रति 1000 स्त्रियों को पुरुषों की जनसंख्या। भारत में भी हमने देखा जो लिंग अनुपात है ज्ञात किया जाता है, भारत में किस रूप में ज्ञात किया जाता है, तो भारत में हम देखें स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, ये भारत के अंदर जो लिंग अनुपात है ज्ञात किया जाता है। और फिर हमने देखा विश्व के अंदर जो लिंग अनुपात है कहीं पर उच्च है और कहीं पर निम्न है, तो सबसे ज्यादा जो उच्च जो लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है वो है लैटविया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इसी तरह से जो निम्न जो लिंग अनुपात है वो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, और यहाँ पर है 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष अंकित किए गए हैं। और हमने देखा कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर ये लिंग अनुपात की जो स्थिति है वो उसमें भेदभाव पाया जाता है, एनियंत्रित होती है, वो स्त्रियों के प्रतिकूल नहीं होती, अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। कारण क्या है, कारण क्या है, कुछ राष्ट्रों के अंदर स्त्री की भ्रूण हत्या होती है, भ्रूण हत्या होती है, शिशु की हत्या होती है, स्त्रियों के
हिंसाएं होती है। तो ऐसे जो राष्ट्र है जहां पर स्त्री भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसाएं पाई जाती है, उन राष्ट्रों के अंदर स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है वो निम्न स्तर की पाई जाती है। तो आज हमने देखा जनसंख्या संगठन के बारे में और लिंग अनुपात के बारे में, और इसके आगे कल आपको बताया जाएगा।